और आ गया है हमारा मोस्ट अवेटेड फोन इन सेगमेंट। जी हाँ, फोन की तो हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं आपके पर्सनल कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, प्रिंटर्स, कभी ना कभी जाने अनजाने जो कि खराब हो जाते हैं। बट नॉट टू वरी, अगर वो खराब हो गए हैं गारंटी वारंटी के बाद भी, हमारे पास उनकी प्रॉब्लम को दूर करने का है एक तरीका, जो है टेक सर्विसेज। किस तरीके से हम इस सर्विसेज का इस्तेमाल करके आपके पीसीज को, लैपटॉप्स को ठीक कर सकते हैं, ये मैं नहीं बट हमारे गेस्ट बताएंगे। हमारे साथ है रोहित चौधरी, बहुत बहुत स्वागत है रोहित आपका। थैंक यू सो मच। सो व्हेन वी टॉक अबाउट द सपोर्टिंग टेक सर्विसेज, व्हाट इज इट ऑल अबाउट? देखिए, आज की तारीख में जिस हिसाब से टेक्नोलॉजी इवॉल्व कर रही है, टेक्नोलॉजी बदल रही है, हर 6 महीने पे एक नई डिवाइस, नया कंप्यूटर, नया चिप मार्केट में आता है, और साथ ही साथ जो हमारे कंज्यूमर्स हैं, जो होम यूजर्स हैं, जो घर पे सब सामान इस्तेमाल करते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट्स भी चेंज हो रही हैं। जब सारा ये सामान अपने प्रयोग के हिसाब से सही चलता रहता है, तब तक तो आपको कभी किसी चीज की आवश्यकता नहीं होती है। बट जैसे ही कोई चीज खराब हो जाती है, कोई डिवाइस खराब हो जाता है, तब आप सोचते हैं कि अब मैं क्या करूं, और उस मोमेंट पे, उस क्षण पे आके आपको ये लगता है कि अब मेरे को किसी इंजीनियर को बुलाना पड़ेगा या मेरे को खुद मार्केट में भटकना पड़ेगा। ये सब सोचते हुए हमारी संस्था सर्विसेज लॉन्च कर, हमने हिंदुस्तान में सर्विसेज लॉन्च किए हैं जो आपके कंप्यूटर्स को, लैपटॉप्स को आपके घर पे आके ठीक करते हैं, और इससे आपको ना भटकने की जरूरत है, ना ये फेयर करने की जरूरत है, ना ये डर आपके दिमाग में रहेगा कि मेरे पार्ट्स ना रिप्लेस कर दे कोई। तो उस सब माहौल के हिसाब को देखते हुए हम लोग ये प्रोफेशनल सर्विसेज कंज्यूमर्स के घर तक लेके आते हैं। एब्सोल्युटली, प्रोफेशनल सर्विसेज है, वन स्टॉप सर्विस है आपकी सभी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की प्रॉब्लम के लिए, जहां तक कि कंप्यूटर्स का संबंध है। अगर आप हमारे साथ चर्चा में जुड़ना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं हमारे स्टूडियो गेस्ट से सवाल, डायल करना होगा ये नंबर 2309753223097532। रोहित, जैसे आपने बताया कि घर आकर वो आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसको रेक्टिफाई कर देंगे, बट इज इट इकोनॉमिकली वायबल? आज की तारीख में इकोनॉमिक्स इज ऑल रिलेटेड टू यूसेज। सो अगर मैं अपना सामान, ज्यादा प्रॉब्लम, हाँ बिल्कुल सही बात, ज्यादा आपको पे, अगर 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 आपकी प्रॉब्लम है और वो आप एक तरह से मोमेंटरी सॉल्यूशन चाहते हैं, तो मार्केट में हर तरह का अनक्वालिफाइड टेक्नीशियन है जो कि 350 रुपए, 200 रुपए लेके आपकी प्रॉब्लम। लेकिन कैसे हम डिस्टिंग्विश कैसे करें कि ये अभी अनक्वालिफाइड है या फिर हाईली ट्रेन्ड है? आई थिंक उसके पीछे एक क्रेडिबिलिटी होती है जो कि एक संस्था ही दे सकती है, एक ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है जो कि संस्था ही दे सकती है। मेरे हिसाब से सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट जो मार्केट में है वो है नॉलेज की। सो जैसा मैंने पहले बोला कि टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट पेस पे इवॉल्व कर रही है, हर 6 महीने में टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है, और अगर उस टेक्नोलॉजी के साथ कंज्यूमर्स को पेस रखनी है, उसके साथ गति रखनी है, तो ये बहुत आवश्यक है कि वो प्रोफेशनल से ये सर्विस ले सकते हैं। लोगों की अलग अलग विचारधारा है, लोगों की अलग अलग एक्सपीरियंस है मार्केट में, हर किस्म का एक्सपीरियंस है, पर ज्यादातर लोगों को जिनसे मैं बात करता हूं, जिनको ये समस्या होती है, वो ये सोचते हैं कि मैं किसी दिन जब मेरे को सही सर्विस मिल जाएगी या सही टेक्नीशियन मिल जाएगा, उस दिन मैं इस चीज को ठीक करवाऊंगा। बिल्कुल, क्योंकि अगर ये सब खराब हो जाता है, हमें लगता है कि लाइफ हैज कम टू अ हॉल्ट। अभी चलते हैं ब्यूटीफुल स्टेट चंबा, चलते हैं हिमाचल प्रदेश, जहां से फोन लाइन पर कॉलर है हमारे साथ। हेलो। हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है, अपना सवाल कीजिए। आपने एक लैपटॉप खरीदा था? नहीं, डेस्कटॉप खरीदा था। जी, उसके बाद वो में प्रॉब्लम आ रही है ना, वो जब स्टार्ट करना तो मतलब काफी देर के बाद स्टार्ट होता, तो रिस्टार्ट करते मॉर्निंग के टाइम तो कम से कम भी 1-1.5 घंटे के बाद वो रिस्टार्ट। देखिए, आपकी जो समस्या है आपके डेस्कटॉप में, वो अनवांटेड प्रोग्राम्स जो होते हैं वो लॉगिन हो जाते हैं रजिस्ट्री में जाके। जैसे आज की तारीख में हम लोग इतना ज्यादा इंटरनेट को यूज करते हैं, और इंटरनेट यूसेज में हम ये नहीं ध्यान रखते कि किस तरह की फाइल्स हम डाउनलोड कर रहे हैं, किस तरह का कंटेंट हमारे रजिस्ट्री में, कंप्यूटर में एक जगह होती है जिसको रजिस्ट्री बोलते हैं, उसमें जाके वो लॉगिन हो जाता है। तो हर बार जब आप कंप्यूटर ऑन करने की कोशिश करेंगे, वो सारी फाइल्स स्टार्ट होती हैं। अगर वो सारी फाइल स्टार्ट होंगी और आपने अपने कंप्यूटर में क्लीन अप नहीं कराया हुआ है, तो वो कंप्यूटर हमेशा टाइम लेगा चलने में। तो मेरा सजेशन ये है कि आप किसी एक्सपर्ट को ये चीज दिखाएं जो कि आपके कंप्यूटर में
जिसको कहते हैं वायरस क्लीनअप, अनवांटेड फाइल्स क्लीनअप, और आपकी स्टार्टअप की उसमें फाइल्स में जाके आपको कंप्यूटर की स्पीड दोबारा, जो आपकी ओरिजिनल स्पीड थी वो दोबारा प्रदान करें। जी हमें स्पीड की तो प्रॉब्लम रहती है और अक्सर वायरस की भी बहुत प्रॉब्लम आती है कि आप कितनी बार भी स्कैनिंग कर लीजिए फिर भी जाने अनजाने कोई वायरस आ जाता है। किस तरीके से देखें कि एंटीवायरस जो हमने डाउनलोड किया है वो सही है या फिर नहीं? देखिए ऐसा है, कोई भी वायरस सॉल्यूशन, कोई भी वायरस प्रोडक्ट 100% प्रोटेक्शन नहीं देता है। ये कंज्यूमर के लिए और यूजर के लिए बहुत जिम्मेदारी वाली बात होती है कि इवन आफ्टर इंस्टॉलिंग अ वायरस सॉल्यूशन, उनको जिम्मेदारी के साथ इंटरनेट पे सर्व करना चाहिए या फाइल शेयरिंग करनी चाहिए या डेटा शेयरिंग करनी चाहिए। मैं अपने एक्सपीरियंस से, पिछले 12 साल के एक्सपीरियंस से ये बता सकता हूं कि 20-25% इश्यूज, आपका बेस्ट सॉफ्टवेयर होगा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, उसके बावजूद भी आपको 20-25% इश्यूज फिशिंग की आएंगी, मैलवेयर की आएंगी, स्पाईवेयर की आएंगी, वायरसेस की आएंगी। तो आपको रेगुलरली अपना सिस्टम क्लीन करवाना पड़ेगा और आपको, जैसा मैंने पहले बोला, इंटरनेट को बहुत जिम्मेदारी के साथ इस्तेमाल करना पड़ेगा। जो वेरीफाइड साइट्स होती हैं वहीं जाना चाहिए, अननेसेसरली इंफॉर्मेशन ना डाउनलोड करनी चाहिए ना अपलोड करनी चाहिए। बिल्कुल, सो इंपॉर्टेंट डूज एंड डोंट्स जिसका आप रखिए ध्यान। अभी चलते हैं कर्ण प्रयाग जैसे कपिल अग्रवाल है फोन लाइन पर। हेलो कपिल जी, अपने टेलीविजन का वॉल्यूम कम कर दीजिए प्लीज सबसे पहले और जल्दी से सवाल। हेलो जी, जी अपने सवाल कीजिए। नमस्कार, मेरे सवाल था कि कौन सा लैपटॉप ज्यादा बेस्ट है जो इस टाइम के लिए है और कौन सी कंपनी का रहेगा और सबसे बेस्ट टेक्नोलॉजी अच्छी और रेट में भी अच्छा मिल रहा है? आप लैपटॉप पूछ रहे हैं? हाँ, लैपटॉप के बारे में पूछा था। आप ये जानना चाहते हैं कि आप कौन सा लैपटॉप खरीदे, या आपका सवाल थोड़ा क्लियर नहीं है? शायद ये अगर फीचर्स वाइज पूछना चाहे, बट मुझे लगता है ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगा कैटेगराइज करना डिपेंडिंग ऑन। देखिए हर यूजर की अपनी अलग रिक्वायरमेंट्स होती हैं। कुछ डिजाइनर्स होते हैं उनको हाई ग्राफिक कार्ड वाले या हाई डेटा स्टोरेज वाले मशीन्स चाहिए होती हैं, कुछ राइटर्स होते हैं उनको डेटा स्टोरेज के लिए ज्यादा चाहिए होता है, और कुछ जो आम इस्तेमाल करने वाले यूजर्स होते हैं जिनको डेटा की कोई इशू नहीं होती है। आजकल नेटबुक्स आती हैं मार्केट में जो कि सस्ती भी है, 14-15 हज़ार में आपको नेटबुक मिल जाता है जो कि एक तरह से आप देखें तो लैपटॉप ही है, उसमें सिर्फ हार्ड ड्राइव नहीं होती। तो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको जो भी प्रोडक्ट आप फिट समझे वो आप चूज करें। मार्केट में ऑप्शंस बहुत है, लेकिन अगर हम फिर से वापस सर्विसेज पर आए, मार्केट में अगर हम जाते हैं समझ नहीं आता एक लेमन को कि छोटी प्रॉब्लम है या बड़ी प्रॉब्लम है, किसके 300 रुपए लगेंगे या फिर 3,000 रुपए लगेंगे, आप अपना प्रोडक्ट दे भी आते हैं वापस ठीक हो जाता है फिर 10 दिन बाद खराब हो जाता है, बाद में पता चलता है कि कोई प्रोडक्ट मिसिंग है। इस केस में अगर आपको, हमें आपकी सर्विसेज चाहिए हो तो व्हाट्स द बेस्ट वे टू गेट इनटू? आप हमारे टोल फ्री नंबर पे फोन कर सकते हैं, ये पैन इंडिया, पूरे इंडिया में टोल फ्री नंबर, आपको कोई चार्ज नहीं लगेगा। आप हमारे टोल फ्री नंबर पे कॉल कर सकते हैं और आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं, वहां से आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। पर आज की तारीख में जहां पे टेलीविजन से ज्यादा मोबाइल फोन है, टोल फ्री पे कॉन्टैक्ट करना तो सबसे बड़ा फायदेजनक तरीका है। हमारी आपकी हम वेबसाइट भी जानना चाहेंगे, टोल फ्री नंबर भी, लेकिन अभी कानपुर चलते हैं जहाँ से लव शुक्ला है फोन लाइन पर, उनका सवाल ले लेते हैं। हेलो 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 जी, अपना सवाल कीजिए, जल्दी से अपना सवाल कीजिए। जी मैम, मेरे लैपटॉप में ये वायरस बहुत आते हैं विंडोज 7 के थ्रू। हेलो जी, जी वायरस बहुत आते हैं विंडोज 7 में, अपलोड कर रखी है, उसके बाद भी वायरस इसमें आते रहते हैं, ब्लू स्क्रीन आती है। देखिए ब्लू स्क्रीन आने का मतलब डेफिनेटली वायरस है या कंफ्लिक्टिंग रजिस्ट्री फाइल्स है या ड्राइवर्स हैं। जब कोई भी ड्राइवर को वायरस करप्ट कर देता है या खराब कर देता है तो आपके स्क्रीन में जाहिराना ब्लू स्क्रीन एरर आएगा। ब्लू स्क्रीन एरर आने का मतलब यह है कि आपको कंप्यूटर में एंटीवायरस सॉल्यूशन डालना पड़ेगा या उसको मैनुअल इंटरफेस से किसी को बोल के सफाई करवानी पड़ेगी। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि आप हमारे टोल फ्री नंबर पे कॉल कर सकते हैं जो कि 1-800-102-3311 है, या हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं जो कि है etechies.in, www.etechies.in, वहां से आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारी ये सर्विसेज जो है हम पूरे देश में इस वक्त प्रदान कर रहे हैं,
एक नया फीचर हम मार्केट में लेके आए हैं हिंदुस्तान में, जो कि रिमोट टेक सपोर्ट है, ऑनलाइन सपोर्ट। तो जो जैसे मेरे को ये इश्यूज कंज्यूमर्स या यूजर्स कॉल कर रहे हैं और बता रहे हैं, ये ज्यादातर इश्यूज हम 20 से 25 मिनट में ऑनलाइन वो कंज्यूमर अपने घर में और हम अपने ऑफिस में बैठे हुए टेक्नीशियंस रिजॉल्व कर सकते हैं। एब्सोल्युटली, बहुत बहुत मतलब एक तरीके का ब्लिसफुल है हम, बहुत भी बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सो वेरी मच रोहित जी, आप यहाँ पर आए। टाइम इज वेरी लेस, विद लॉट टू टॉक, लेकिन जितनी हम बातचीत की उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। चलिए, तो बात रही आज की लाइव शो की, बढ़ते आगे आपको देते हैं जानकारी गुमशुदा व्यक्तियों के बारे में।